वेलकम बैक है ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइफ ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल में हम लोग एक वन ईयर के पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं एट अ लेवल ऑफ अराउंड 10% to 15% एवरी सिंगल मंथ। वन ईयर हो चुका है, ये जनरल हमने स्टार्ट किया था अप्रैल 2021 के अंदर में, एंड इस एक साल के अंदर में 12 महीनों के अंदर में एवरी सिंगल मंथ वी हैव जनरेटेड द रिटर्न्स। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में जो वर्कअप करेंगे दैट विल बी बेसिकली मार्च और अप्रैल के अंदर में क्या जनरेशंस रही हैं उस पे हम फोकस करेंगे। मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। वी आर ऑन अ कंसोल ऑफ ज़ेरोधा राइट नाउ, राइट? सो अभी जो मार्च और अप्रैल में ग्रोथ जनरेशंस हुई हैं दैट इज अराउंड 85.58 लाख। मैं एक बार दोबारा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। एंड सो इस वीडियो में हम इस ग्रोथ रेट को देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉफिट जनरेशंस हुई, राइट? और उसके अलावा हम लोग जो पूरे साल का जो स्पैन था जो हमने स्टार्ट किया था मई 2021 से एंड अप्रैल 2022 में जाके पूरा ईयर कंप्लीट हुआ है, तो इस दौरान के अंदर में जो प्रॉफिट जनरेशंस हुई हैं, वन सीयर का पोर्टफोलियो ग्रो कर चुका है टू द लेवल ऑफ अराउंड 3.67 सीआर, राइट? प्रॉफिट जनरेशंस हुई हैं अराउंड 2.66 सीआर की। ये स्लो ग्रोथ जनरेशंस जो जनरेट हुई हैं 10% से 15% ग्रैस्पिंग किया गया है बहुत सेफली अपनी पोजीशंस को हेज रखते हुए, राइट? पूरे साल के अंदर में जो हमारा टारगेट था वो था हमारा 3.13 सीआर तक रीच करने का, बट हमने अपने टारगेट को ओवर अचीव किया है, जिसमें करीबन हमने 14.50% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है विच इज़ अराउंड 53 लाख, राइट? ओके, टोटल प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है वो 2.66 सीआर का जनरेट हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम मार्च और अप्रैल का, क्योंकि हर महीने हम लोग लेजर्स लाइव लेके आते हैं, उसे लाइव उसको वर्कअप देखते हैं उसके अंदर में कि लेजर्स में प्रॉफिट जनरेशन किस तरीके से हुई हैं, ठीक है। तो ये मार्च का और अप्रैल का कंबाइंड लेजर रहेगा इस बार, ठीक है, एंड वी विल बी गेटिंग एन आइडिया। और इसको सेपरेट भी करके देखेंगे, मतलब हम ये भी करके देखेंगे कि मार्च में कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें जो मार्च में जनरेशंस हुई थी प्रॉफिट की वो कितनी हुई थी वो भी देखेंगे, और अप्रैल में कितनी जनरेशंस हुई थी वो भी देखेंगे, और फिर दोनों के कंबाइंड को स्टडी करेंगे, ठीक है, राइट? तो मार्च में जनरेशन जो हुई थी वो 34.42 लाख की हुई थी, राइट? विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 12% के करीब का जनरेशन था। और जो अप्रैल में जनरेशन हुई है प्रॉफिट्स की विच इज़ फ्रॉम 1st of April, राइट? ठीक है, तो पहले इसको हम कर लेते हैं 30th of April, इसे हम कर लेते हैं 1st of April। इसमें कंबाइंड P&Ls हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के, कंबाइंड P&Ls मींस जो ओपन पोजीशंस हैं जो क्लोज पोजीशंस हैं दोनों का, ठीक है। तो नेट रियलाइज P&L कितना जनरेट हुआ अप्रैल के अंदर में 51 लाख। अगर हम दोनों महीनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी बोथ द मंथ्स, राइट? तो ये जनरेशन रहा है करीबन 85 लाख 58 थाउजेंड का, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम जो दो महीने का जनरेशन हुआ है कैसे जनरेट हुआ, अपनी पोजीशंस को हैच रखते हुए एक सेफ फॉर्मेट के अंदर में कैसे ये प्रॉफिट जनरेशंस हुई हैं, ठीक है, उस पर वर्कअप करेंगे। उसके बाद हम पूरा ईयरली वर्कअप देखेंगे कितना जनरेशंस रहा है और क्या नेक्स्ट ईयर का प्लान रहेगा, क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम लोग एक सेक्रेड लेसन पे वर्कअप करेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ऑप्शंस की डेटास को यूज़ करके हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक बुल रन काउंटर में आना है या बियर रन उस काउंटर के अंदर में आना है, विच विल बी हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग एंड हेल्पफुल इन एडजस्टिंग आर पोजीशंस आल्सो, अगर हम किसी पर्टिकुलर काउंटर की पोजीशंस को देख रहे हैं। जैसे सेक्रेट लेसन हर बार आते हैं वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्रेट लेसन इस बार भी रहेगा, राइट? लेट्स कंटिन्यू। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने पहले आपको बताया था कि एडजस्टमेंट सीरीज़ काफ़ी जल्दी आने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो एडजस्टमेंट सीरीज़ का ही रहेगा एंड वो नेक्स्ट वीडियो उसी सीरीज़ के अंदर में हम लोग लेके आएंगे, राइट? उसके अलावा जो पूरे साल का ट्रेडिंग हुआ है उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंबाइंड प्रॉफिट जनरेशंस जो हुई हैं किस तरीके से उसके भी लेजर्स हम लोग सामने, क्योंकि मेरी आदत है कि जो भी हुआ है उसको आई पुट फॉरवर्ड लाइव, ठीक है, राइट? और इसे भी एक बार हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं, इसको देखते हैं, राइट? 85.58 लाख का प्रॉफिट दो महीने के अंदर में, अब कैसे जनरेशन्स हुई हैं उसको हम वर्कअप करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक जो वॉलंटियर एक्ट चल रहा था, राइट, करीबन 9.8 लाख फीड्स ऑलरेडी हो चुकी हैं ऑल ओवर इंडिया। इसको जल्दी से जल्दी 1 मिलियन फीड्स तक पहुंचाना है, राइट? ओके, तो अपने अपने रीजन्स के अंदर में जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उस कैपेबिलिटीज़ के थ्रू अपना वॉलंटियर एक्ट करो और जो भी नीडी लोग हैं उनको अपना फीड्स पहुँचाओ, राइट? इस चैनल पर सब कुछ फ्री रहता है, राइट? आई नेवर पुट फॉरवर्ड एनी काइंड ऑफ ज्वाइन बटन ऑन द चैनल। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अपने रीजन के अंदर में जो भी ऐसे लोग हैं विच रिक्वायर्स एनी फॉर्म ऑफ हेल्प फ्रॉम योर साइड, वो आप हेल्प उनको प्रोवाइड करो एंड देन ओनली यू कैन कनेक्ट बैक विद मी, राइट? ओके, ऑल्दो
इंफॉर्मेशन फ्री रहती हैं यहाँ पे चैनल के ऊपर में, बट इट्स वर्थ मोर देन अ मिलियन. ठीक है, आई एम शेयरिंग माय डीकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है व्हाइल वर्किंग विद द इंस्टीट्यूशनल फंड्स एंड ऑल. तो वो सारा जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है उसकी वैल्यूज़ वैसे भी एक किसी भी फॉर्मेट में लगाई नहीं जा सकती, ना ही मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर लगाने के लिए कोई ज्वाइन बटन या कोई स्ट्रक्चरिंग्स कभी भी लेके आऊँगा. राइट, ठीक है, राइट. सो लेट्स प्रोसीड विद दिस. दो महीने के अंदर में मार्च और अप्रैल, इससे पहले के लेजर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, यू कैन गो थ्रू ऑल द लेजर्स एंड ऑल फॉर हर महीने जो भी ट्रेडिंग्स होती हैं उनके लेजर्स लाइव आते हैं. राइट, तो इन दो महीने के अंदर में जो प्रॉफिट जनरेशन रही हैं, इनफैक्ट जो लास्ट अप्रैल की जनरेशन रही है दैट वॉज अराउंड 50 लाख प्लस. ठीक है, तो अगर उस जनरेशन को देखते हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 16% जो कि पूरे सारे जितने महीने थे उन सब में सबसे ज्यादा जनरेशन जनरेट हुई है. ठीक है, राइट. तो कैसा, क्यों ऐसा रहा कि इसमें प्रॉफिट जनरेशन ज़्यादा रही, क्या वर्केबिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ हम गो थ्रू करेंगे. सबसे पहले ब्रेकडाउन देखते हैं ब्रोकरेजेस का. ब्रोकरेज तो नॉमिनल लगती है ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, बट एक्सचेंज चार्जेस और सब कुछ मिला के करीबन जो चार्जेस लगे हैं दैट इज़ अराउंड 1.35 लाख. एक्चुअल प्रॉफिट 86.93 लाख का था एंड जो नेट रियलाइज प्रॉफिट आया दैट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 85.5 लाख. ठीक है, अगर हम ट्रेडिंग्स की फॉर्मेशन में बात करते हैं, एबीसी कैपिटल के अंदर में 2 लाख फॉर्मेशंस, बहुत नॉमिनल सा ट्रेड, ठीक है, जिसके अंदर में नेट एक नेगेटिव कैश फ्लो आया है. अदानी एएनटी के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर में भी इट्स अ वेरी स्मॉल माइन्यूट नेगेटिव रिटर्न्स. अदानी पोर्ट्स के अंदर में देखते हैं तो इसमें काफ़ी लैक फॉर्मेशंस हुई, जिसमें आपका एक बार मैं इसको दोबारा पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि देखो जितना हम डेटाज को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से भी रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ से भी रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, एक बार और ये भी कोई होता है क्या रिफ्रेश करने का, रीलोड होता है आपके, ठीक है, क्योंकि रिफ्रेशमेंट करना ज़रूरी होता है कुछ भी करने से पहले. राइट, क्यों ज़रूरी होता है, यू ऑल नो दैट थिंग. ठीक है, राइट. सो राइट, अदानी पोर्ट्स के अंदर में अगर हम देखते हैं, अदानी पोर्ट्स के अंदर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लैक फॉर्मेशंस, ठीक है, 10, 11, 12 लैक फॉर्मेशंस अदानी पोर्ट्स के अंदर में रही एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल काउंटर रहा है, इसने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है इस काउंटर ने. ठीक है, देखो कोई भी ट्रेडिंग्स जब हम लेजर्स देखते हैं तो विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से प्रॉफिट जनरेशन हुई. जब इसकी हम एडजस्टमेंट सीरीज को देखेंगे तो विल गेट एन आइडिया कि उस दौरान के अंदर में एडजस्टमेंट्स कैसे हुई. ठीक है, तो लेजर्स के वीडियो का काम होता है सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना कि लाइव प्रैक्टिकली कितना प्रॉफिट जनरेशन आ रहा है. राइट, ठीक है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड है एक तरीके से, जैसे हर महीने हम लाइव लेजर्स ला के उसको हम डिस्कस कर रहे हैं या शोकेस कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग कि कितना एक तरीके से प्रॉफिट जनरेशन पॉसिबल है ट्रेडिंग्स के अंदर में. ठीक है, सेफली अगर हम ट्रेड अप करते हैं, सेफली का मतलब क्या होता है, देखो जब हम कॉल राइट कर रहे हैं या कॉल ट्रेड अप कर रहे हैं तो हम पुट को भी ट्रेड अप कर रहे हैं. ठीक है, इसमें अगर हम किसी भी सेगमेंट को देखते हैं तो कॉल एंड पुट राइटिंग्स दोनों हैं, तो ये पोजीशंस को एक तरीके से एक कंबाइंड पोजीशंस बन जाती हैं. अब मार्केट्स अगर वहाँ से ऊपर की तरफ फ्लो इन करेंगी या नीचे की तरफ फ्लो इन करेंगी, दोनों ही सिनेरियोस के अंदर में हम अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे. एडजस्टमेंट सीरीज के अंदर में इसका हमें और अच्छा आइडिया आएगा, तो आगे आने वाले वीडियोज एडजस्टमेंट सीरीज के हैं, तो मेक श्योर कि अपना नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखना ताकि जब भी कोई एडजस्टमेंट सीरीज का वीडियो आता है या नेक्स्ट लाइव ट्रेड आता है, अभी नेक्स्ट वीक के अंदर में एक स्विंग ट्रेड भी आने वाला है. राइट, तो वो आपको यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि उस स्विंग ट्रेड को आप पंच इन कर सकते हो एंड उस पर फिर आगे एडजस्टमेंट सीरीज वगैरह भी बनेंगी. ठीक है, तो इसमें जो प्रॉफिट जनरेशन अदानी पोर्ट की रही दैट वॉज वेरी गुड. ठीक है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, करीबन 10 से 12 लाख का प्रॉफिट जनरेशन इसके अंदर में निकल के आया है. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये थी कि इसमें करीबन 10-11 लैक्स बनी, तो इवेंचुअली काफ़ी ट्रेडिंग्स इसके अंदर में हुई है. मोस्टली इसका ट्रेडिंग जो था मार्च सीरीज के अंदर में हुआ था, नॉट इन टू द अप्रैल सीरीज. ठीक है, एशियन पेंट भी हमने ये तो वीडियो भी लाइव हुआ था एशियन पेंट का. ठीक है, बट एशियन पेंट हैज़ बीन इज इन ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, माइनर लॉस बोल सकते हो, करीबन 14-15 हज़ार के करीब का लॉस इसके अंदर में. ठीक है, एशियन पेंट के अंदर में जिसमें 5 लाख फॉर्मेशन हुए और एक माइनर लॉस इसके अंदर में जनरेट हुआ. लॉस एंड प्रॉफिट तो चलते रहेंगे क्योंकि प्रॉफिट्स भी होने हैं और लॉसेस भी होने हैं, इन द एंड कंबाइंड जो है वो आपका प्रॉफिट जनरेशन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, बाकी इंडेक्स ट्रेडिंग्स हैं बैंक निफ्टी की. ठीक है, इसको हम इंडेक्स HFT के दौरान में डिस्कस करेंगे. ठीक है, थर्ड सेगमेंट में अगर हम देखते हैं, थर्ड पेज पे अगर हम देखते हैं तो करीबन एक भारतीय एयरटेल का ट्रेड है. इसको मैं थोड़ा सा आपके ब्रेकडाउन इसके दिखाऊंगा कि ये ट्रेड थोड़ा डिफरेंट ट्रेड था. ठीक है,
मोस्टली जो ट्रेडिंग्स होती हैं वो सेल साइड की ट्रेडिंग्स होती हैं, बट कभी कभी अगर किसी काउंटर के अंदर में हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ठीक है, तो फ्यूचर्स में पोजीशंस लेने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उस काउंटर की आईटीएम्स को बाय करो। फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल के अंदर में मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसका 680 कॉल को परचेस कर लिया, ठीक है। उस समय उसका प्राइस था करीबन 32.7, राइट, उसको हमने परचेस कर लिया एंड उसको हमने फिर क्लोजअप किया अराउंड 66.7 पे। तो दिस वॉज एन इन्वेस्टमेंट रेट। तो इन्वेस्टमेंट्स अगर हमें करना है किसी पर्टिकुलर काउंटर के अंदर में, ठीक है, अब मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट्स कितनी लगी, 32.7 पे मैंने इसको परचेस किया था इंटू 4750, नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है, राइट, मतलब करीबन एक बहुत ही नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर में लगी, बट प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ अराउंड 1.6 लाख का, ठीक है। करीबन अगर इन्वेस्टमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो भी करीबन 1.6 लाख टू 2 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट्स लगी हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट कितना हुआ 1.6 लाख का। तो अगर मैं इसको फ्यूचर में लेता या किसी और सेगमेंट में लेता इसी पर्टिकुलर ट्रेड को, तो पहली बात तो मेरा डाउनसाइड अनलिमिटेड हो जाता, ठीक है, राइट, क्योंकि फ्यूचर ले रहे हैं। ऑब्वियसली किसी भी सिनेरियो में डाउनसाइड अनलिमिटेड नहीं होता, अगर क्योंकि मैं पोजीशंस को हेज भी रखता उसके अंदर में, बट ये सबसे सेफेस्ट तरीका होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर हमें करना है तो उसकी आईटीएम को हम लोग परचेस करें। अब आईटीएम कौन सी परचेस करनी है, डीप इन द मनी आइटम्स को आप परचेस करोगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें डीके नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट। सिप्ला में एक ट्रेड अप पुट फॉरवर्ड हुआ, उसमें एक अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट हुआ। अगर हम डाबर को देखते हैं तो डाबर एक में दो ही लेग फॉर्मेशंस थी, इसका अगर हम ब्रेकडाउन देखते हैं तो करीबन 11.65 पे ये सेल ऑफ हुआ था, ठीक है, राइट, एंड मोस्टली जो इसका ट्रेड था वो अप्रैल सीरीज का ट्रेड था, 30 मार्च को ये ट्रेड अप हुआ था जिसमें हमने 11.65 पे इसको सेल ऑफ किया था। एक नॉमिनल क्वांटिटी सेल ऑफ हुई थी एंड एक नॉमिनल क्वांटिटी को कवर अप किया गया था 3.45 के ऊपर में। इस ब्रेकडाउन से हमें ये पता चलता है विच वॉज जनरेटिंग अप्रॉक्सिमेटली प्रॉफिट ऑफ अराउंड 61,000, ठीक है। इसकी जो दूसरी लेग फॉर्मेशन थी इट हैज मेड अ लॉस, बट कंबाइंडली इट हैज मेड अ वेरी माइनर प्रॉफिट इनटू द सेगमेंट्स, ठीक है। अगर HDFC बैंक को देखते हैं, एक सिंगल लेग फॉर्मेशन, एक माइनर लॉस जनरेशन। हिंडालको को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर में एक प्रॉफिट जनरेशन है। हिंद कॉपर में प्रॉफिट जनरेशन है। इन्फी के अंदर में प्रॉफिट जनरेशन है, ठीक है। जुबल फूड में एक नॉमिनल नो प्रॉफिट नो लॉस है, राइट। मनप्पुरम के अंदर में एक माइनर लॉस है। अब लॉस एंड प्रॉफिट तो डील्स के अंदर में चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है, राइट। मारुति के अंदर में अगर हम देखते हैं इसको, इसके भी एक सेगमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। 8200 कॉल को हम एनालाइज करते हैं कैसे इसका ट्रेड पुट फॉरवर्ड हुआ। तो इसमें 2 मार्च को 213 के प्राइस पे हमने इसको सेल ऑफ किया, राइट, एंड 7 मार्च को इसको हमने 34 के प्राइस पे कवर ऑफ किया, राइट। ऑन एवरेज एक नॉमिनल प्रॉफिट जनरेशन मारुति के अंदर में। NMDC के अंदर में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ, ठीक है। ONGC के अंदर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ। पेट्रोनेट के अंदर में इट वाज अ गुड प्रॉफिट, राइट। और अगर हम बाकी पोजीशनिंग्स देखते हैं, SBI लाइफ इट इज ऑल्सो माइनर प्रॉफिट जनरेशन इन SBI लाइफ। UPL में 4 लाख फॉर्मेशन थी, एक माइनर प्रॉफिट जनरेशन, ठीक है, 3 लाख के करीब का प्रॉफिट जनरेशन UPL के अंदर में। VEDL के अंदर में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी लाख फॉर्मेशन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाख फॉर्मेशन हैं और काफ़ी एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें जनरेट हुआ है। करीबन आप इसको फिगर्स में देखोगे तो इट इज़ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट्स। ओके, वोल्टास में ऑल्सो कितनी हमारी 2 लाख फॉर्मेशन थी, एक माइनर लॉस जनरेट हुआ वोल्टास के अंदर में। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरी फिगर को देखते हैं तो करीबन 2 महीनों के अंदर में हमारा 85 लाख का प्रॉफिट जनरेशन हुआ, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट्स कितनी लगी हुई थी इसके अंदर में, ट्रेडिंग्स कितनी, देखो जितना पोर्टफोलियो लाइफ चल रहा है उतनी इन्वेस्टमेंट्स लगी हुई है, राइट, ठीक है। कभी भी कंप्लीट पोर्टफोलियो वैसे इन्वेस्ट नहीं होता। आई ऑलवेज इन्वेस्ट लाइक 60% 70% ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू विच इज बीन एंगेज्ड इन, ओके। बाकी पोर्टफोलियो हमेशा एडजस्टमेंट्स के लिए हमें ओपन रखना होता, राइट। सो ओवरऑल देखा जाता है, कभी भी ये नहीं देखा जाता कि कितना इस महीने इन्वेस्ट हुआ। जो भी रिटर्न्स होंगे वो तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे होंगे ना। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टार्ट हुआ था 1 CR पे एंड अब ये क्लोज अप हुआ है अराउंड 3.6 CR पे। अब करीबन इस पूरे साल के अंदर में एंड ईयरली कैलकुलेशन क्या करो हमेशा अपने रिटर्न्स की, ठीक है। मंथली तो सिर्फ आपके ट्रैक को मेजर करने के लिए कि मैं 10% से 15% के बीच में लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एंड इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि इस टाइप की ट्रेडिंग को करने के लिए आपका जो आइडियल पोर्टफोलियो दैट मस्ट बी अराउंड 1 CR प्लस, ठीक है। अगर पोर्टफोलियो 1 CR से कम होता है तो आपके पास में एडजस्टमेंट्स को करने का रूम काफ़ी कम हो गया है, राइट।
तो उस वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। आपको अपनी सेल पोजीशंस के साथ में बाय पोजीशंस को भी बनाना होगा ताकि अपना मार्जिन बेनिफिट मिल सके एंड आपको एडजस्टमेंट्स जो है वो कम करनी पड़े कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप की ट्रेडिंग्स करने के लिए आइडियल पोर्टफोलियो वन ईयर प्लस होता है एंड फिर यू कैन जनरेट अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 10% to 15% एवरी सिंगल मंथ ऑन दैट, राइट, ठीक है। बट पेशेंस जरूरी है और ट्रेडिंग्स में कंसिस्टेंट रिटर्न्स के अंदर में दोनों चीज़ें आती हैं, आपका उसमें ट्रेडिंग से जनरेट होता हुआ रिटर्न भी आएगा और जैसे मैंने आपको कुछ ट्रेड्स दिखाए जिसमें इन्वेस्टमेंट बेस्ड रिटर्न्स आ रहे हैं वो भी जनरेट होके निकलता है। दोनों को कंपाइल करना है हमें, ठीक है, राइट। और अगर अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट 5 ईयर्स का क्या ट्रैक रहेगा, क्योंकि इस साल तो जो जनरेशंस हुई हैं वो 53 लाख ज़्यादा जनरेट हुआ है कंपैरेटिवली, 2 करोड़ 13 लाख का हमारा एक्सपेक्टेड था कितना रिटर्न आना चाहिए, ठीक है, अगर हम 10-10% की एवरेज ग्रोथ मेंटेन करते हैं। बट जो ग्रोथ जनरेट हुई है वो 2.66 CR की जनरेट हुई है। करंटली पोर्टफोलियो जो स्टैंड कर रहा है वो 3.67 CR पे कर रहा है। नेक्स्ट ईयर में अब जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसके अंदर में एक इसी के साथ हम आगे फॉरवर्ड उसको कर देंगे, तो अब क्या होगा कि विड्रॉल्स हो जाएंगे। विड्रॉल्स होने के बाद में आपका करीबन जो नेक्स्ट जो हमारे ईयर का पोर्टफोलियो था वो हमारा 2 CR इन्वेस्ट होगा, बाकी सारा विड्रॉ हो जाएगा। टैक्सेशन स्ट्रक्चरिंग्स वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और जो इसका ग्रोथ एक्सपेक्टेड था वो 200% का था, बट काफ़ी ज़्यादा उससे ग्रोथ जनरेट हुआ है, 266% का जनरेट हुआ। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी है वो भी विड्रॉएबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी 2 CR के पोर्टफोलियो के साथ में, जिसके अंदर में हमारा एक्सपेक्टेड होगा कि एंड ऑफ द ईयर तक हम इस पोर्टफोलियो को 6 CR तक पहुंचा दें, जिसमें प्रॉफिट जो जनरेट होगा आने वाले साल के अंदर में 2022 के अंदर में वो 4 करोड़ का होगा, ठीक है। और फिर हम विड्रॉ करेंगे करीबन उसके अंदर में 2 CR, और फिर जो नेक्स्ट मई 2023 के अंदर में पोर्टफोलियो स्टैंड अप करेगा वो 4 CR से स्टैंड अप करेगा। मई 2025 तक इसी पोर्टफोलियो को हम करीबन 48 CR तक लेके जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम जो टोटल है 31 CR का जनरेशन करेंगे। देखो 1 CR से स्टार्ट होकर 5 ईयर्स के अंदर में हम वहाँ तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, तो विच इज़ आपको ये लॉन्गर स्पैन में आपको स्टेप बाय स्टेप देखो, सिर्फ आपको 10% की ग्रोथ को अचीव करना है। अगर 10% की ग्रोथ आप रेगुलरली अचीव करते हो तो वो रिवॉर्ड तो अपने आप आ ही जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बातें नहीं होती, यहाँ पे लाइव है सब कुछ। ये पूरे साल में जितनी भी ट्रेडिंग्स हुई हैं सब लाइव हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस चैनल के ऊपर में ऑब्वियसली चार्जेस का तो छोड़ो, वो तो मेरा कभी पॉइंट रहेगा ही नहीं उस चीज़ के अंदर में, ठीक है। बट आपको अगर मेरे से कनेक्ट करना है तो वॉलंटियर एक्ट अपनी सिटी के अंदर में ज़रूर करो, किस जिसकी हेल्प कर सकते हो। देखो हमें मिलके अपने नेशन को जितना स्ट्रांग हो सकता है उतना स्ट्रांग बनाना है, तो अगर किसी को एजुकेशन की ज़रूरत है तो आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करो, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज़, ठीक है, वो वर्कअप करो एंड देन यू कैन कनेक्ट बैक विद मी। एक अच्छा काम करना ज़रूरी है मेरे से कम्युनिकेट करने से पहले, ठीक है, राइट, और दैट विल बी मच मोर इम्पॉर्टेंट। और अभी जो ग्रोथ जनरेट हुई है इसको हम कंसिस्टेंटली जनरेट करेंगे आने वाले सीरीज में भी, जिसके अंदर में सबसे पहले स्विंग ट्रेड्स रहेंगे, वीक में एक स्विंग ट्रेड में लेके आऊँगा ऑन एवरेज, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ पे हम लोग अपने लेजेस का रिव्यू किया करेंगे, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ पे हम लोग ओवरऑल लेजेस का रिव्यू किया करेंगे, ठीक है, और बीच में एडजस्टमेंट्स, उस ट्रेड के अंदर में क्या एडजस्टमेंट्स हुई उसका एक वीडियो मैं लेके आया करूँगा, एक वीडियो एक महीने के अंदर में एडजस्टमेंट्स के ऊपर में डेडिकेटेड होगा, ठीक है। तो ये सब जब कंपाइल कर लेंगे इस पूरे डेटा को, और इसके साथ में HFT के भी अपडेट्स डेली बेसिस पे जो ट्रेड्स होते हैं HFT के वो भी मैं लेके आऊँगा इस कमिंग मंथ के अंदर में। तो चैनल को अच्छे तरीके से वॉच करके उससे सीखो, ठीक है, राइट, लर्न बाय ऑब्जर्विंग द पोजीशंस एंड द ट्रेडिंग्स, ठीक है। आने वाला महीना काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है, तो सीट बेल्ट्स बांध लो एंड उसको अच्छे तरीके से सीखो, राइट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक लर्निंग लेसन के ऊपर में, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लर्निंग लेसन, जिसमें हम लोग एक सेगमेंट को यूज़ करेंगे। दिस इज़ अवेलेबल ऑन ऑब्स्ट्रा, ठीक है, ऑब्स्ट्रा को आप जाके इस सेगमेंट को देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली देखो इसमें हम क्या वर्कअप देख रहे हैं, इसके अंदर में हम फ्यूचर OI चेंज पे फोकस करेंगे, ठीक है, प्राइस चेंज पे फोकस करेंगे, और हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्क्रीन आउट कर सकते हैं किसी भी मोमेंट पे ऐसे काउंटर्स जो बुलिश हैं और ऐसे काउंटर्स जो बियरिश हैं, या फिर अगर हमने किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर में ट्रेड करा हुआ है, लेट्स से मेरा ट्रेड एशियन पेंट के अंदर में, तो मेरे को इस डेटा से एक हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड कि आगे आने वाली डायरेक्शन उस काउंटर की क्या हो सकती है, ठीक है।
तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस एरिया के अंदर में हमें प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे टिकर का सिंबल है, यहाँ पे हमें उसका प्राइस दिख रहा है, ठीक है। ये ब्रैकेट में आपको चेंज दिख रहा है कि उस दिन उसका उस काउंटर का कितना चेंज हुआ, ओआई चेंज के अंदर में कितना ओआई चेंज हुआ, ठीक है। अगर ये ग्रीन है तो पॉजिटिव ओआई चेंज है, अगर ये रेड है तो ओआई डिक्रीज हुआ है उतने परसेंटेज से, ठीक है। मैक्स कॉल ओआई स्ट्राइक के अंदर में वो स्ट्राइक जिसके अंदर में ये ओआई चेंज हुआ, ठीक है, राइट। मैक्स कॉल ओआई स्ट्राइक के अंदर में हमारा जो जहां पे मैक्सिमम चेंज हुआ है, ठीक है, किसी भी ये मैक्सिमम आपका ऑप्शन राइटेड है, जिस जगह पे ऑप्शन राइटेड है, ऑप्शन बॉट है, जितना मैक्सिमम ओआई है उस कॉल का, वो वाली स्ट्राइक का यहाँ पे मेंशन अप होगा, ठीक है। कितना ओआई बिल्डअप है वहां पे, वो यहाँ पे मेंशन अप होगा, और उसका डिस्टेंस कितना है स्पॉट प्राइस से, जैसे ये स्पॉट प्राइस है तो उसका डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जाम्पल 36,000 का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्राइस से, तो ये हमें यहाँ पे नजर आएगा -3.78% फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर हम पुट का फॉर्मेशन देखते हैं तो 34,500 का सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओआई अवेलेबल है, ओआई कितना अवेलेबल है 1240050, और उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है स्पॉट से, वो यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है, राइट। तो सिंपल फॉर्मेट जिसमें हम ये स्पॉट लेवल है, स्पॉट लेवल के बाद में हमें ये देखना है कि उसके अंदर में कितना चेंज हुआ, फ्यूचर ओआई चेंज देखेंगे, और हम कौन सी स्ट्राइक कितना दूर है अपने स्पॉट लेवल से, उससे वर्कअप करके देखेंगे कि ये बुलिश काउंटर है कि ये बेरिश काउंटर है। अब ये वर्कअप कैसे करना है, ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको सिर्फ फ्यूचर ओआई चेंज वो चाहिए जो कि पॉजिटिव हो, तो उसको हम एक बार क्लिक कर लेंगे तो हमें सिर्फ ग्रीन वाले फ्यूचर ओआई चेंज आएंगे, ठीक है। ये डेली बेसिस पे आप वर्कअप देख सकते हैं, उसका एंड ऑफ द डे भी देख सकते हैं, नेक्स्ट डे के लिए इसमें ट्रेड प्रिपेयर कर सकते हो अपना, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया एंड यू गेट अ ग्रीन एरिया, जिसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर ओआई चेंज पॉजिटिव हुआ। अब अगर प्राइस डिक्रीज किया है और फ्यूचर ओआई चेंज पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है, राइट, मतलब काउंटर बियरिश है, राइट। तो ये एक सिनेरियो होता है, या दूसरा होगा कि ये भी ग्रीन हो और ये भी ग्रीन, ठीक है, पहला कि ये रेड है और ये ग्रीन है, इसका मतलब शॉर्ट बिल्डअप, अगर ये ग्रीन है और ये ग्रीन है इसका मतलब लॉन्ग बिल्डअप्स, ठीक है। तो शॉर्ट बिल्डअप्स में हम बियरिश के लिए देखेंगे और लॉन्ग बिल्डअप्स के अंदर हम बुलिश के लिए देखेंगे, राइट। अब बुलिश कौन से ट्रेड को देखना है, बुलिश उस ट्रेड को देखोगे आप जिसमें जो पुट का डिस्टेंस है, मतलब जहां पे मैक्सिमम ओआई है पुट का, उसका डिस्टेंस अगर नेगेटिव है, मतलब वो स्पॉट से नीचे है, ठीक है, राइट। अगर पुट का डिस्टेंस नेगेटिव है, ये तो बुलिश होना चाहिए, ये दोनों ग्रीन होने चाहिए और ये नेगेटिव होना चाहिए, तो ये हमारा बुलिश कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। उसमें हम कॉल का भी डिस्टेंस देखते हैं कि वो दूर होना चाहिए अपनी कॉल की स्ट्राइक से, बट ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि पुट का जो एरिया है ये नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि काफी स्ट्रॉन्ग पुट सोल्ड ऑफ है और अभी प्राइस जो चल रहा है अपने स्ट्राइक लेवल से, जहां पे मैक्सिमम पुट सोल्ड ऑफ है उससे नीचे चल रहा है प्राइस, ठीक है, राइट। तो ये हम इसमें देखते हैं, ठीक है। और कॉल के अंदर में हम क्या देखते हैं, अगर हमें बियरिश देखना है, बियरिश देखना है तो ऑब्वियसली आपको कॉल राइट करनी है, तो उसके लिए ये रेड है ये ग्रीन है, शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस, जो कॉल का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो इसको भी हम वर्कअप करके देखेंगे जहां पे ट्रेड फॉर्मेशंस ऐसी बनती हैं, ठीक है। तो ये रेड है ये ग्रीन है, कॉल का डिस्टेंस देखेंगे, ये अगर पॉजिटिव होता तो इस पर हम फोकस करते, पॉजिटिव नहीं है तो इस पर भी हम फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी पॉजिटिव नहीं है का मतलब क्या है, पॉजिटिव नहीं है का मतलब ये है कि 540 कॉल है और प्राइस कितना चल रहा है 493, मुझे चाहिए था कि प्राइस 540 से ऊपर होता, ठीक है, इस फॉर्मेशन के अंदर में, तब मैं सोच सकता था कि इसको मैं शॉर्ट करूं, ठीक है, मैं उस समय उसका पुट का डिस्टेंस भी देखता, बट ये आइडिया है, ठीक है, राइट। तो ये नेगेटिव है तो मेरे को इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं बुलिश देखूंगा, मेरे को पुट नेगेटिव चाहिए था यहाँ पे, डिस्टेंस वो नेगेटिव नहीं था, ठीक है। बैंक निफ्टी में बियरिश तो मुझे ये पॉजिटिव चाहिए था, नहीं है, इसमें बियरिश पॉजिटिव 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 नहीं है, इसमें बुलिश, ये नेगेटिव, देखो इसमें बुलिश है, राइट, प्राइस चेंज पॉजिटिव है, ओआई चेंज पॉजिटिव है 4.47%, अच्छा एक ओआई चेंज उसके अंदर में हुआ है, मींस लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, वो भी अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप्स हुए हैं, और जो प्राइस चल रहा है वो 1600 पुट के नीचे है, क्योंकि 1587 का इसका प्राइस है, 1600 की पुट्स के नीचे है, और जो मैक्सिमम वाली कॉल स्ट्राइक है वो 1700 के ऊपर में, इसका मतलब आई एम बुलिश, नाउ आई एम गोइंग टू बी बुलिश इन कोलपाल, तो मैं अब कोलपाल के लिए बुलिश हूँ, दिस इज अ बुलिश काउंटर टू ट्रेड इनटू, ठीक है।
ये एक सेगमेंट है। मेरे एनालिसिस में हमेशा एक मल्टीपल एनालिसिस को कंबाइन करते हैं टू गेट अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, बट इस डेटा को कैसे एनालाइज करना है वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंसेस को यूज कर रहे हैं, उनसे हम सीख रहे हैं कि जो मैक्सिमम ओआई वाली स्ट्राइक्स होती हैं उनसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि काउंटर बुलिश है कि बेयरिश है, राइट? तो कोलपाल इज बुलिश फॉर टुमारो इटसेल्फ। ठीक है, तो ये एक काउंटर है जो बुलिश है। अब इसको लेना कब है? जब राइट टेक्निकल्स बनेंगे, जब राइट डेटास आएंगे, ठीक है, तब हम उसको ले सकते हैं। एंड जो ये ओआई डेटास के बुलिश और बेयरिशनेस होती है ना, ये काफ़ी शॉर्ट स्पैन की होती है, तो इसमें हम उस ट्रेड को लेने के बाद में उसको हम 10% के लिए नहीं छोड़ सकते, राइट? ठीक है, उसको हमने एक शॉर्ट मूव के लिए करना है अगर उसको हम पिकअप कर रहे हैं। ठीक है, मैरिको अगर हम देखते हैं तो ये बेयरिश है, बेयरिश में ये पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, ये बुलिश है, बुलिश में ये नेगेटिव होना चाहिए, पुट वाला डिस्टेंस ये नहीं है, बेयरिश है, ये पॉजिटिव होना चाहिए था, नहीं है, ठीक है, बुलिश है, ये नेगेटिव होना चाहिए था, नहीं है। पावर ग्रिड में अगर आप देखते हो तो ये बुलिश है, दोनों ग्रीन है, और ये नेगेटिव है, इस पे फोकस किया जा सकता था। ठीक है, बट अगर इसको अभी आप देखोगे तो मैक्सिमम स्ट्राइक पुट की 240 है, कॉल की स्ट्राइक भी 240 है, मुझे कॉल थोड़ी दूर चाहिए थी, जैसे कोलपाल के अंदर में 1700 पे कॉल थी, 1600 पे पुट थी और प्राइस 1600 के नीचे है, तो मैं इस पे बुलिश था। ठीक है, बट इसीलिए हमने इसको देखने के बाद कॉल को भी देखा कि अगर ये 250 कॉल होती है, 260 कॉल होती है, कॉल राइटर्स भी 240 पे स्टैंड कर रहे हैं और पुट राइटर्स भी 240 पे स्टैंड कर रहे हैं, तो अभी ये डिसीजन पॉइंट नहीं है, इसको आप बाय मत करें इस पर्टिकुलर पॉइंट, तो कॉमन सेंस भी लगानी है। ठीक है, राइट, और ये कॉल दूर होना चाहिए और पुट के नीचे प्राइस होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा स्टैग्नेंट ट्रेड बनता है। ठीक है, सिमिलरली जुबल फूड को अगर हम देखते हैं तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बेयरिश होने का मतलब क्या कि कॉल मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, काम की नहीं है। ठीक है, ये भी नेगेटिव है, काम की नहीं है। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव हैं, बेयरिश में काम के नहीं है। ठीक है, ये बुलिश में नेगेटिव होता तो मेरे बहुत काम का होता, बट ये नेगेटिव नहीं था। ठीक है, ये बेयरिश है, ये पॉजिटिव चाहिए था, ये नहीं इसमें आएगा, ये बुलिश है, ये मुझे पुट नेगेटिव चाहिए था, ये पॉजिटिव है, नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, ये सब बेयरिश है, बेयरिश में अगर मुझे कुछ पॉजिटिव मिल जाता है यहाँ पे तो आई वुड हैव टेकन अप दैट पर्टिकुलर ट्रेड, बस मुझे यहीं तक देखना था। ठीक है, तो हमें इस पूरे डेटा से क्या मिला? इस पूरे डेटा से हमें सिर्फ एक काउंटर मिला, कोलपाल, विच इज बुलिश फॉर द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। ठीक है, तो इस पूरे को स्क्रीन करके 2 मिनट के अंदर हम ये फाइंड कर सकते हैं। ईओडीपी स्क्रीन कर लो नेक्स्ट डे के लिए, सबसे बेटर है, ईओडीपी स्क्रीन कर लो फॉर द नेक्स्ट डे, राइट? एंड यू गेट अ काउंटर कि आप कोलपाल में बुलिश हैं, आप कोलपाल के अंदर में नेक्स्ट डे जो भी ट्रेड पुट फॉरवर्ड होगा यू कैन टेक अप द बुलिश ट्रेड, एक अच्छा काउंटर के अंदर में फिर आप ट्रेड फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो ये इस लर्निंग को यूज करो नेक्स्ट डे के ट्रेड्स को पुट फॉरवर्ड करने के लिए, ये एक सिंक्रोनाइज कर सकते हो इसको बाकी डेटास के साथ में भी। ठीक है, हमेशा हमें अपने डेटास की कलेक्टिविटी को बढ़ाना है ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग एक डेटा सेगमेंट्स को लेके आ सकें, राइट? वापस चलते हैं अपना कंसोल के ऊपर में, एक बार एंड करने से पहले इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और पोजीशंस को ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पोजीशंस को 85 लाख का प्रॉफिट जनरेशन है, एंड आने वाले वीक के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीडियोज़ आने वाले हैं, एंड एक स्विंग ट्रेड आएगा, उससे पहले एक एडजस्टमेंट सीरीज़ का ट्रेड आएगा जिसमें नई एडजस्टमेंट सीरीज स्टार्टअप हो रही है। कनेक्ट करने से पहले हमेशा वॉलंटियर करना अपने रीजन के अंदर में, एंड देन यू कैन कनेक्ट अप ऑन व्हाट्सएप। HFT के जो ट्रेड्स होते हैं, जो भी ट्रेड फॉर्मेशन HFT के अंदर में होती है, उसका जो अपडेट होता है वो व्हाट्सएप स्टेटस पे अवेलेबल होता है, तो उसके लिए भी कनेक्ट अप कर सकते हो। ठीक है, अगर एलिजिबल होगे तो यू कैन वॉच माय HFT के जो ट्रेडिंग्स हैं उसका जो रिजल्ट है एंड ऑफ द डे का। ठीक है, राइट, एंड बट इस चीज़ को याद रखना कि कनेक्ट करने से पहले हमेशा अपने रीजन के अंदर में एक अच्छा काम कर लो, एक वॉलंटियर एक्ट कर लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, राइट, वो वर्कअप कर लेते हो अगर, किसी की हेल्प कर दो अपने रीजन के अंदर में, फीड्स प्रोवाइड कर दो अपने रीजन के अंदर में, छोटे बच्चे हैं उनको आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ओल्ड एज कुछ भी वर्कअप कर सकते हो, जो ओल्ड एज बंदे हैं आप उनको उनकी हेल्प कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ हेल्प विच यू फील इज गुड आप वो काम कर सकते हो, दैट कम्स इन टू द वॉलंटियर एक्ट। ठीक है, जब इसको स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी हम लोग इस रीजन तक पहुँच जाएंगे, बट कुछ भी करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, कुछ मत करो, मत करना सब्सक्राइब चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक मत करना, मुझे वो लाइक नहीं चाहिए,
मुझे आपका सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, बट अपने रीजन में वॉलंटियर एक्ट जरूर करना मेरे से कनेक्ट करने से पहले। ठीक है, राइट, टेक केयर, पीस आउट।